हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हमारे चैनल लियो द डॉगी शॉप को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकुल आसिवाल। आज मैं आपको बताने वाला हूं डॉग के हेयर फॉल की समस्या के बारे में, इससे हम निजात कैसे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा ये हेयर फॉल होता क्यों है और ये किसी कमी से होता है या फिर नेचुरल है। तो बताता हूँ मैं आपको, ये नेचुरल प्रोसेस है। साल में दो बार हेयर फॉल जरूर होता है, या वो हम हो या कोई भी जानवर हो, साल में दो बार उसके बाद जरूर झड़ते हैं। ये नेचुरली प्रोसेस है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हम केवल इसको हेयर फॉल को थोड़ा कम कर सकते हैं, खत्म बिल्कुल नहीं कर सकते। जो लोग बोलते हैं कि हेयर फॉल खत्म कर दूंगा, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, आपको गुमराह कर रहे हैं। इस चीज से सावधान रहिए। ये आपको समझना होगा कि हेयर फॉल को रोका नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डेली अपने डॉग को कॉम करें या स्लीकर करें, उसको टाइम टू टाइम उसको बात दीजिए। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो बताया था बात कैसे देना है, वो आप टाइम टू टाइम उसको बात दीजिए। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे आते हैं जो नॉर्मली हर जगह मिल जाते हैं और उसको हम लोग देते नहीं हैं, तो वो आप जरूर दीजिए हेयर फॉल के टाइम पर। जैसे कि एक ओमेगा 6 ओमेगा 3 एक लिक्विड आता है, सीरप टाइप का आता है, जिसको आप अपने डॉग को फूड में मिलाकर दे सकते हैं। उससे हेयर फॉल जो है 50-60% तक कम होता है। इसके अलावा टैबलेट्स भी आती हैं हेयर फॉल रोकने के लिए, वो भी आप दे सकते हैं। खाना आप दीजिए, खाने में आप फीड सप्लीमेंट जरूर डालिए, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। फीड सप्लीमेंट होने से और डिवॉर्मिंग टाइम पे होने से भी हेयर फॉल कम होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके डॉग को हेयर फॉल की समस्या शुरू होती है, आपको एक ऐसा डॉग फूड देना है उसको जिसमें ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हो। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 हमारे डॉग के हेयर फॉल को रोकने में हेल्प करता है, इससे उसके बालों का झड़ना बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही आपके डॉग के हेयर फॉल के टाइम पर जो आप करंटली शैम्पू यूज कर रहे हैं वो आप चेंज कर दीजिए। आप हेयर फॉल के टाइम पर केवल हेयर फॉल का या फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज कीजिए, जो उसके बालों को झड़ने में रोकने में काम करेगा। तो आप इसी का ध्यान रखिए, जब भी आप शैम्पू लगाते हैं उसके अंदर भी 10 से 15 मिनट के लिए ही उसको अप्लाई करके छोड़ना पड़ेगा मालिश करने के बाद, और उसके बाद उसको आप धो दीजिए। सूखने के बाद में उसको आप स्लीकर या कॉम्ब की मदद से उसको पूरे बालों को जितने भी उसमें डैमेज हेयर ऊपर आ जाते हैं उसको आप निकाल दीजिए और अपने घर में रखिए डॉग को। और इस जिस टाइम पर आपके डॉग को हेयर फॉल हो रहा होता है, उस टाइम पर आपको कोई भी डॉग हो उसमें आपको 4 से 5 दिन का गैप रख के उसको वॉश करना होता है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में डालकर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। Sorry now.